नमस्कार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज। DNCT लाइव न्यूज की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार। स्टे होम स्टे सेफ। लॉकडाउन जैसे विपरीत परिस्थिति में युवा वेबसाइट संघ छोटी बलिया बाजार के द्वारा रविवार को पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगातार 41वां दिन भी भोजन वितरण कार्यक्रम बलिया नगर पंचायत के सभी वार्डों में किया गया। बलिया युवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष राकेश रोशन उप मुन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मदर्स डे के दिन युवा व्यवसायिक संघ के आह्वान पर बलिया अनुमंडल के सभी महिलाओं के द्वारा व्यवसायिक संघ के कम्युनिटी किचन में रोटी दिया गया, जो कि काबिले तारीफ और सराहनीय कार्य है। जब जब बलिया में कोई बड़ा संकट आया है, तब तब बलिया की नारी शक्ति ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मानव सेवा में अपना योगदान दिया है। बलिया युवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष राकेश रोशन उर्फ मुन्ना ने कहा कि आज का दिन बलिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बलिया की महिलाओं ने आज लगभग 11,000 रोटी हमारे शिविर में दिया, ताकि इस लॉकडाउन के कारण हम सब भूखे और असहाय लोगों को भोजन करवा कर उनकी सेवा कर सके और उनका आशीर्वाद मिले। आज का भोजन वितरण कार्यक्रम बलिया के नारी शक्ति के नाम समर्पित किया गया। आज के कार्यक्रम में सहयोगी के तौर पर संघ के कोषाध्यक्ष दीपक रस्तोगी, कृष्णलाल रस्तोगी, अरुण महतो, राजेश अम्बस्ट, मुकुंद रस्तोगी, संजय रस्तोगी, अनुराग सिन्हा, विमल अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, जयंत मिश्रा, अविनाश टिंकू, रंजीत सोनी, राजेश पोदार, संदीप शाह, रोहित शर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। बलिया से अनिकेत सिन्हा, टीम DNCT लाइव न्यूज, बलिया बेगूसराय। ये रोटी अभी आया है कहीं से देख रहे हैं कि बिल्कुल घर पे है, ये जो अपने हाथों से हमारी देवियों ने बना करके दिया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। माता जी, आप रोटी देने आए यहाँ पर, ये व्यावसायिक संघ के किचन में कैसा डिमांड किया गया था रोटी का? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इस सेवा में अच्छा लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा प्रसाद है आप जो दे रही हैं। इस देख रहे हैं आप कि माता जी जो है रोटी बना करके खुद यहाँ तक आई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, युवा व्यवसायिक संघ छोटी बलिया बाजार के आह्वान पर आज महिला दिवस नारी शक्ति को हम लोगों ने आह्वान किया था कि हमारे इस व्यवसायिक संघ के जो कार्यक्रम मानव सेवा का कार्यक्रम, जो भोजन वितरण का कार्यक्रम रोजाना हो रहा है लगातार 41 दिन से, तो आप लोग भी अपने अपने घरों से रोटी बनाकर हमारे इस राहत कैंप में, हमारे कम्युनिटी किचन में भिजवाएं। और अपार हर्ष के साथ यह सूचित करते हुए मुझे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि लगभग 13,000 रोटी हमारी माताओं ने, बहनों ने हमारे इस राहत शिविर में ला कर दिया है। मैं इन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा दिया गया रोटी आज भूखे और असहाय व्यक्ति के घरों तक जाएगा और उनको भोजन उपलब्ध होगा। समस्त बलिया वासियों की ओर से मैं बलिया की नारी शक्ति को आज 10 मई के दिन उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जब जब बलिया में इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी माताएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, उसी क्रम में आज भी आप देख सकते हैं कि हमारे कैंप में आज रोटी का भंडार, हमारी कुछ माताएं भी यहाँ आई हुई हैं, उनके द्वारा रोटी दिया गया है। मैं उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।